आज एक नया चीज सीखा है, सीधा देह से लेके ऐसे कूद जाता है। तब सोचे एक छोटा सा छड़ी रखेंगे, अच्छा पैर में मारेंगे, कूदेगा मारेंगे पैर में, चोट लगेगा बस ठीक हो जाएगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। एक यांश, यांश क्या कर रहा है? दादी का हेल्प कर रहा है। आ? दादी का हेल्प कर रहे रे। ए? यांश यहाँ दादी कर रही है। आया देखिए यांश को। रियांश, क्रियांश फिर गया दादी पर। अपना यहाँ देखो कितना सारा सब्जी, दादी पास तो एक ही सब्जी है ज्ञान, तो बस कितना है देखो। तो जी अभी क्रियांश हमारा जो है उठ चुका है और उठ के जो है इतना उधम मचाया हुआ है, इसका बनाना शेक तैयार हो गया, कुछ ही देर में पिएगा ये। पहले पेट में पीता था और अब जो है बाहर बाहर पिएगा। ओए तो बाहर चल रहे जी, एक पार्सल आया हुआ है तो जल्दी से पार्सल ले लेते हैं। और अब देख सकते हैं जी हमारी गाड़ी जो है अब हमारे घर में ही लग रही है, पिछले ब्लॉग में हमने दिखाया था तो काफी अच्छा लग रहा है अपने घर में अपनी गाड़ी को देख करके। बस दादी आई और उसके देह में लटकेगा, अब कहेगा हमको लेके चलो, अब खड़ा भी हो जाएगा। हो गया खड़ा, अब कहेगा ले चलो है दादी, और कोई काम नहीं है सिर्फ तुम्हें को पकड़े रहेगी। इस डलिया में एक भी फल नहीं रहना चाहिए, सब फेंक देगा, फिर डलिया लेके खेलेगा। क्रियांश, क्रियांश क्रियांश को सुलाने का कई बार प्रयास किया जा चुका है लेकिन सारे प्रयास जो है विफल रहे हैं। अंत में जो है हम लोगों ने हार मान ली और क्रियांश को जो करना है उसको करने दिया जा रहा है। नहीं, गेट का जो है हैंडल उसमें धागा है। बोलो भगवान जी गेट खोलिए, हमको जय जय करना है। जय जय करना है, अंदर जाना है। अंदर जय जय हो, जय जय क्रियांश, क्रियांश जय जय, कर जल्दी से जय जय। देखिए गिरगेगा गेट को। 3 hours later. अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 और लग गई है जी बहुत ही तेज भूख, क्योंकि जो खाना हुआ था हमारा वो हुआ था लगभग 11:30 करीब। और जिया महारानी से कह रहे हैं कि कुछ खाना बनाया जाए लेकिन बना के देने रही। खाना या नाश्ता? नाश्ता, नाश्ता खाना। अरे भावना को समझो, शब्दों में क्या रखा है और क्या बताओ? जो बनाना है बनाओ, घर में मैगी बनाना है तो मैगी बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा, खिलना पड़ेगा। ठीक है, तो कष्ट उठा करके जाते हैं। कष्ट का फल जो है मीठा, नहीं उसे सब्र का फल मीठा होता है। हम लोग कष्ट जोड़ लिए हैं। ठीक है, चलते हैं। चलिए जी मैगी तो ले लिया, मम्मी से पूछे मम्मी खाएगी, मम्मी कह नहीं उसको नहीं खाना है। होता क्या है जी, ले लिया है 3 पैकेट, एक पैकेट जो है कम पड़ जाता है, 2 पैकेट ले लेते हैं, एक आदमी पर तो ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए 2 आदमी खाना है जिया और हमको, तो दोनों के लिए 1.5 पैकेट में जो है पेट भर ठीक ठाक हो जाएगा। चलो जिया जल्दी बनाओ, भूख बहुत तेज लगी है, बहुत ही तेज, पूछो मत कितनी तेज भूख लगी है। 3 ही खाना है, दीदी नहीं खाएगी, पूछे
और एक पैकेट चाहिए था क्या? नहीं, आगे सब खा। इतने में पेट भर जाएगा। तो इधर मैगी तैयार हो रहा है जी, और इधर जो है सारे बर्तन की चल रही है सफाई, और मुझे इतनी तेज भूख लगी है, मैं सोच रहा हूँ कब मैगी बने और कब खाए। अभी तो क्रियांश छोटा है, तो अभी क्रियांश मैगी नहीं खा रहा है, लेकिन जब क्रियांश बड़ा हो जाएगा तो एक हिस्सेदार वो भी हो जाएगा ये सब खाने में। क्रियांश का शिमला मिर्च का सब्जी है, और क्रियांश का यहाँ पर खिलौना सब भी बिखरा हुआ है, सब्जी और फल या सब कुछ, तो इसको समेट के रखिए, रख देते हैं। ये रहा इसका टोकरी, एक बॉल ये है आवाज करने वाला है, और बाकी सब इधर फैला हुआ है, और ना जाने किधर किधर होगा, अंदर सब भी होगा शायद, तो वहाँ से लेंगे उठा करके। ये रख देते हैं सारा। तो हमारा मैगी यहाँ पर आ गया जी, और हम जो है मैगी खा रहे हैं इस बार थोड़ा सा पानी वाला, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा ऐसे, और मज़ा भी ज़्यादा आता है, सूप मिल जाता है, और थोड़ा सा जो है ना मेरा गला भी एकदम भारी हो गया टॉन्सिल टाइप से, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। और साथ साथ जो है अभी वीडियो भी कुछ सब एडिट करना है, तो यहाँ पर चढ़ा लिया है, एडिटर भी अपना ओपन है, तो खाते खाते अपना काम करते हैं। कर दीजिए घर में सारा खेल रहे सारा खेल रहा है। चलो राम तो क्रिया उसको जो है अभी अपने घर में मन नहीं लग रहा है, ये घूमना चाह रहा है अपने दीदी के पास। तो क्रिया जो है लड़ झगड़ करके आ गया है यहाँ पर, कोई क्रिया लड़ाई करके गेट पर पीट के बाबा के साथ जाता है। बड़ी माँ को हम समझाते हैं, सबको ऐसा मत रखो कान का पाजा ले। अचानक से पीछे लटक जाएगा ये। नहीं, अभी देखी तमाशा ना, आप लोग को पालने का आदत नहीं है, हम लोग चार चार बच्चा पला। सही बात है, अब पांचवा आने वाला। तो मम्मी यहाँ पर आई हुई थी, तो मम्मी से पूछते हैं क्रियांश के बारे में कुछ, आज जो है कुछ नया नया चीज सीखा है, नया नया शैतानी सीखा है वो। शैतान तो जन्मजात है, लेकिन आज एक नया चीज सीखा है, सीधा देह से लेके ऐसे कूद जाता है। तो आप सोचे एक छोटा सा छड़ी रखेंगे, अच्छा पैर मारेंगे, जैसे कूदेगा मारेंगे पैर, चोट लगेगा बस ठीक हो जाएगा उसको। तो कोई मारी अब उसको, इतना शैतान हो गया है। वैसे अब उसको कोई परवाह नहीं है, कितना भी मार दो, शैतान ही अच्छा लगता है। जो बच्चा शैतान नहीं है समझ जाओ वो बच्चा विकास नहीं कर रहा है। डॉक्टर के मुँह से भी सुने हुए हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी बच्चा देखे हैं, हर आदमी कहते हैं जितना एक्टिव है बच्चा विकास। और आज उसको सर में चोट लगते लगते बच गया है, ग्रिल के सामने सर, सोचो कि संजोग है फाइबर था, हम तो निराश हो गए थे कि अभी मथा इसका फटा, लेकिन बाबा बद्रीनाथ से हम मांग कर आए हैं। हम जब गए थे पूजा करने, क्रियांश गर्भ में भी नहीं था, तो बाबा बद्रीनाथ को बोले थे हम बेटा मांग के यहीं से मेरी माँ ले गई थी, आप मेरे लिए, तो हम आपसे वंश मांगते हैं, अगर हमको वंश दीजिएगा बार हम मरण करने आपके दरबार में हाजिर होंगे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, क्रियांश आ गया, देखो उनकी बुलावा कब होती है, उस समय हम लोग पहुँच जाएंगे।